चार्ट एज ए मार्केट में बनते हैं वो तमाम चार्ट अभी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि मार्केट में जब ये चार्ट बनते हैं तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है या मार्केट नीचे जा सकता है तो टोटल का टोटल आपको यहाँ पे चार्ट का पूरा पैटर्न आपको इस वीडियो में मिल जाएगा सो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ से पैसे कमा सकते हैं जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप पैसे नहीं कमा सकते हैं तो इस चीज़ों को आप देखें चलिए तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट साथियों सबसे पहले अपने पास डबल टॉप बुट डबल टॉप डबल टॉप क्या होता है कि मार्केट ओपन होता है एंड ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर जाता है फर्स्ट हाई लगाता, पहला high लगाता है पहला हाई लगाता है इस चीज़ों को समझिए एंड हाई लगाने के बाद मार्केट वहाँ से जब रिवर्स करता है तो वहाँ पे एक मार्केट सपोर्ट क्रिएट करता है एंड मार्केट फिर उसी वहीं पे आके सपोर्ट लेता है फिर मार्केट ऊपर जाता है फिर इस हाई के जस्ट सामान वहाँ पे जाता है एंड फिर उसके बाद आने के बाद वहीं पर सपोर्ट को जैसे आई सपोर्ट को ब्रेक करता है एंड मार्केट धराधर नीचे गिर जाता है ओके okay. तो इस प्रकार से इसे हम कहते हैं डबल टॉप यह है डबल टॉप चार्ट पैटर्न है एंड इसमें जैसे ही डबल टॉप आपको दिखा यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो सपोर्ट एरिया ये सपोर्ट एरिया पे जैसे ही सपोर्ट एरिया को ब्रेक होगा आपको यहाँ पे बिना सोचे समझे आपको अपने आप यहाँ पे सेल कर देना है यानी कि पुट को बाई कर लेना है एंड आपका बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा ओके तो साथियों ये रहा पहला डबल टॉप पैटर्न चलिए साथियों नेक्स्ट बात करते हैं राउंडिंग बॉटम यानी कि मार्केट में राउंडिंग बॉटम कैसे बनता है ये देखते हैं मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताया एंड टाइम बिताने के बाद क्या करता है मार्केट देखिए राउंड की तरफ घूम रहा है ना तो क्या करेंगे ना राउंडिंग पैटर्न में क्या होगा ना कि सबसे पहले हम लोग हम क्या करेंगा वहाँ पे जो ये राउंड जो मार्केट घुमा है उसको हम लोग रेजिस्टेंस को मार्क कर लेंगे क्योंकि राउंडिंग पैटर्न पैटर्न मार्केट के एक पैटर्न होता है तो जैसे ही राउंडिंग पैटर्न बनता है एंड जैसे ही राउंडिंग पैटर्न को यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो हम लोग यहाँ पे बिना सोचे समझे कॉल बाय करेंगे ओके एंड आप यहाँ पे देख सकते कि जितना मार्केट राउंड में नीचा घुमा होगा देन उतना मार्केट आपका ऊपर जाएगा ठीक है तो इस चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे ये है राउंडिंग पैटर्न और जैसे राउंडिंग पैटर्न आपको मार्केट में दिखे तो आपको रजिस्टेंस फाइंड करना है एंड रजिस्टेंस जैसे आप क्रिएट करेंगे रजिस्ट्रेटेंस बनाएंगे एंड उसके बाद उसके ब्रेकआउट होगा एंड आप उस वह, वहाँ वहाँ पर कॉल बाई कर सकते हैं तो चलिए साथियों ये रहा अपना सिकेंड राउंडिंग बॉटम के बारे में चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं सिंपेटिक ट्रेंगल ये कैसे काम करता है इसमें क्या होता है ना कि मार्केट क्या होता है कि जैसे स्टार्ट होता है एज ए एक डाउन ट्रेन में होता है और धीरे धीरे देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका जो है सो देखिए किस तरीके से ये बनते हुआ जा रहा है धीरे 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 ये ट्रेन का एंड हो रहा है धीरे धीरे ट्रेन का एंड हो रहा है एंड ये एक बियरिश ट्रेंड होता है ये जो है एक बियरिश ट्रेंड है जैसे ही इस तरीके से बना आपको मार्केट में ठीक है एंड आपको देखना है कि जैसे ही इसका ब्रेकडाउन होगा जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं एंड जैसे इसका ब्रेक डाउन हुआ मार्केट काफ़ी अच्छा बेहतरीन एक फॉल किया है ओके सो so, इस तरीके से हमको इंतज़ार करना है जैसे इस प्रकार का शाट आप एज ए आपको स्क्रीन पर दिखे एंड उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे सेल कर देना है एंड आपका बहुत अच्छा यानी कि पुट यहाँ पे बाई करना एंड बहुत अच्छा आपका प्रॉफिट होगा चलिए साथियों नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट अपने पास है डिस्पेंडिंग ट्रेंगल इसमें क्या होता है कि मार्केट देखिए एक हायर हाई से आप एक लोअर लो low में जाता है एंड इस तरीके से एक पैटर्न बन रहा है देखिए इसको आप ध्यान से ओके इस तरीके से एक पैटर्न बना मार्केट में यानी कि एक लोअर लो low में आया एंड यहाँ पे एक मार्केट का सपोर्ट बना एंड जैसे ही सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है जैसे ही सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग वहाँ पे पुट को सेल कर देंगे यानी कि पी .E. खरीद लेंगे ओके यहाँ पर हम लोग सेल करेंगे एंड बहुत ही बेहतरीन आपको यहाँ से प्रॉफिट मिल जाएगा तो इसमें आपको क्या डिफाइंड करना है सपोर्ट डिफाइन करना सपोर्ट ढूंढना है ओके और जैसे ही ये पैटर्न बनेगा मार्केट में आप आराम से सेल कर सकते हैं साथियों नेक्स्ट है अपने पास असेंडिंग ट्रेंगल ये क्या होता है ना असेंडिंग ट्रेंगल ये कैसे काम करता है ये एक मार्केट में बुल स्टैंड होता है इसमें क्या होता है ना कि हमको ये डिसाइड करना पड़ता है मार्केट के रेजिस्टेंस ओके मार्केट के ये रेजिस्टेंस है एंड धीरे धीरे आप देख सकते हैं धीरे धीरे देख सकते हैं जैसे इस प्रकार का आपको मार्केट में चार्ट दिखे ओके जैसे ही इस प्रकार का मार्केट में चार्ट देखिए जैसे ही इसका ब्रेक आउट होगा ब्रेक आउट होगा यहाँ पे आपका एंट्री होगा ब्रेक आउट के जगह पे आपका एंट्री होगा एंड इसके नीचे यानी कि जो ये आपका एस बन जाएगा एंड आपका जितना मार्केट यहाँ से गया है एंड इतना ऊपर मार्केट यहाँ से मूवमेंट करेगा ओके सो ये रहा असेंडिंग ट्रेंगल एंड ये एक बुलिश ट्रेंगल होता है ठीक है तो इस मार्केट में आप हमेशा चार्ट को फॉलो सबसे पहले चार्ट को देखिए अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे काम कर मतलब आप डेली टाइम फ्रेम पे काम करते हैं तो पहले उस चार्ट को देखें फिर आप वीकली टाइम फ्रेम के भी चार्ट को देखें एंड आप कम से कम थोड़ा आवर के चार्ट को देखें एंड उसके बाद आप पंद्रह मिनट के टाइम फ्रेम पे ज़रूर देखें अगर इंट्रा डेट रेडिंग करते हैं तो 15 मिनट के चार्ट पे आप एनालाइज करें एंड 5 मिनट के चार्ट पे, यानी कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री करना है लेकिन एनालाइज आपको पंद्रह मिनट के टाइम फ्रेम पे करना है कि कौन सा पैटर्न बन रहा है ओके तो इस चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे साथियों नेक्स्ट है अपने पास पेनल्ट ऑफ फ्लैग यानी कि ये एक फ्लैग पैटर्न है ये क्या होता है ना कि मार्केट यहाँ से देखिए ऊपर गया एंड यहाँ पे थोड़ा सा कंट्री मतलब ये कुछ फ्लैग टाइप के बना रहा है तो ये एक बुलिस पैटर्न है ये एक बुलिस पैटर्न है एंड जैसे इसका ब्रेकआउट होगा ना तो आप यहाँ पे सी वाई कर लेना ये बहुत ही अच्छा मूवमेंट करता है तो ये है फ्लैग पैटर्न इसमें कई प्रकार के होते हैं एक होता है ये ये आपको देखिए इस प्रकार से फ्लैग बनाएगा इस प्रकार से है ना तो ये फ्लैग में ये जो है सो बियरिश फ्लैग इसमें क्या होगा ब्रेकडाउन होगा ना कि ब्रेकआउट होगा तो इस चीज़ों को आप समझेंगे जब तक आप समझेंगे तब तक तो कुछ नहीं होगा इस प्रकार से देखिए यहाँ पे एक ट्रेन का एंड होता है एंड यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करता है आप यहाँ पे भी देख सकते हैं एक फ्लैग है बन रहा है और यहाँ पे एक ट्रेंड का एंड होता है एंड यहाँ पे मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो आप मार्केट को देख करके समझ सकते हैं कि एंड यहाँ से अब होने वाला क्या है तो ये सारे पैटर्न हैं जिससे कि आप पहले से तैयार है कि मार्केट अब यहाँ से ब्रेकआउट देने वाला है या मार्केट ब्रेकडाउन देने वाला है ब्रेकआउट देने वाला है या ब्रेकडाउन देने वाला है तो ये जब चार्ट देखेंगे तो आपको पता चल जाए कि मार्केट ब्रेकआउट देने वाला है या ब्रेकडाउन देने वाला है साथियों नेक्स्ट है अपने पास फॉलिंग वेडेज ये किस प्रकार से होता है इसको देखिए किस प्रकार से काम करता है ये क्या करता है ना कि मार्केट में देखिए इसको ध्यान से देखिए ये धीरे धीरे इनका देखिए पहले क्या था काफी टाइम ले रहा था ऊपर नीचे जाने में लेकिन धीरे धीरे ये टाइम खत्म कर रहा है धीरे धीरे यहां पे टाइम खत्म हो रहा है एंड यहां पे क्या होता है ना यहाँ पे क्या होता है कि ट्रेन का एंड हो जाता है ओके एंड ये एक बुलिस पैटर्न होता है एंड जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा तो आप यहाँ पे कॉल बाई कर सकते हैं जैसे इसका ब्रेकआउट होगा आप यहाँ पे कॉल बाई कर सकते हैं अब देखिए इसको ध्यान से एंड आपको समझ में आ जाएगा तो जैसे इसका ब्रेकआउट होगा एंड आप यहाँ पे कॉल बाई कर सकते हैं तो पैटर्न को जब आप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं एंड नेक्स्ट है अपने पास राइजिंग वेडेज राइजिंग वेडेज क्या होता है ना कि आप यहाँ पे देखें मार्केट धीरे धीरे देखिए पहले इनके पास बहुत बड़ा मतलब काफी तक काफ़ी जो मार्केट पर नीचा कर रहा तो वो काफ़ी टाइम ले रहा है काफ़ी ज़्यादा धीरे 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 इनका ट्रेंगल छोटा होते जा रहा है यानी कि ये ट्रेंड एंड हो रहा है ट्रेंड समाप्त हो रहा है एंड इसके बाद क्या होगा कि मार्केट ये राइजिंग में क्या होता है मार्केट डाउन ट्रेन यानी कि ये एक बियरिस पैटर्न है ओके ये एक बियरिस पैटर्न है और जैसे ही इसका ब्रेक डाउन होगा जैसे ही इसका ब्रेक डाउन होगा एंड आपको यहाँ पे एंट्री कर लेना है ओके एंड आपको यहाँ पे पी बाई कर लेना ओके सो ये रहा राइजिंग पैटर्न एंड नेक्स्ट है कप एंड हैंडल पैटर्न कप एंड हैंडल पैटर्न क्या होता है ना कि मार्केट में सबसे पहले आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा मार्केट में आ, जो भी उनका रेजिस्टेंस बन रहा है एंड आपको रेजिस्टेंस यहाँ पे फाइंड करना है उनके बाद देखिए कप एंड हैंडल पैटर्न बनता कैसे ये देखिए इस प्रकार से फिर आपको देखिए इस प्रकार से तो ये कप है ये जो है सो कप बना इसीलिए इसको कप एंड हैंडल पैटर्न कहा जाता ये है ये कप है एंड ये उसका हैंडल बन गया तो ये एक बुलिस पैटर्न होता है कप एंड हैंडल पैटर्न जो होता है ये एक बुलिस पैटर्न होता है एंड जैसे इसका ब्रेकआउट होगा एंड आप यहाँ पे बिना सोचे समझे आप यहाँ पे बाई कॉल बाई कर सकते हैं एंड ये बहुत दूर तक आपको लेकर के जाएगा एंड बहुत तगड़ा बेनिफिट आपको प्रोवाइड करता है एंड नेक्स्ट है राउंडिंग बॉटम राउंडिंग बॉटम भी कुछ इस प्रकार से बनता है राउंडिंग बॉटम कुछ इस प्रकार से बनता है एंड जैसे इसका ब्रेकआउट uh, होगा एंड आप यहाँ पर भी आराम से कॉल बाई कर सकते हैं एंड जितना राउंडिंग बॉटम में नीचे गया है उतना ही आपको ये ऊपर जाएगा ओके तो हंड्रेड परसेंट का आप यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं नेक्स्ट है हेड हेड एंड शोल्डर हैंड एंड शोल्डर यानी कि हेड यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्चुअली इनका हेड दिख रहा है एंड इसका ये हैंड uh, है एंड इसका नेक्स्ट हैंड है राइट एंड लेफ्ट हैंड है इस तरीके का ये पैटर्न है एंड इसमें आपको क्या ढूंढना है तो सबसे पहले इसमें आपको सपोर्ट ढूंढना पड़ता है कि मार्केट आकर के एंड सपोर्ट कहाँ पे ले रहा है एंड जैसे ही इसका सपोर्ट का जैसे ही इसका सपोर्ट का ब्रेक डाउन होता है ब्रेक डाउन होता है एंड आपको यहाँ पे पुट बाई करना एंड काफ़ी बेहतरीन आपको बेनिफिट यहाँ से आपको मिल जाएगा एंड नेक्स्ट है सेम इसका उल्टा सेम एज ए इसका उल्टा इन्वोटेड हैंड एंड शोल्डर हैंड हेड एंड शोल्डर यानी कि हेड इसमें देखिए उल्टा इसमें हेड बनता है एक्चुअली इसमें क्या है कि ये हेड इनका है एंड ये इसका लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड है ओके okay? एंड यहाँ पे क्या होता है कि इसमें आपको डिसाइड करना पड़ता है एज ए मार्केट का रजिस्टेंस uh, एंड रेजिस्टेंस जैसे यहाँ पे ब्रेक होता है एंड रेजिस्टेंस जैसे यहाँ पे ब्रेक होता है तो ये एक बुलिस पैटर्न है एंड मार्केट यहाँ से आपको हंड्रेड परसेंट ऊपर जाता है जितना मार्केट नीचे फॉलिंग है उसी प्रकार से यह हंड्रेड परसेंट मार्केट ऊपर जाता है ओके सो so, इस तरीके से तमाम चार्ट आप देख के एज ए लाइव मार्केट में ट्रेड करेंगे एंड आपको हंड्रेड परसेंट यहाँ पर आपको प्रॉफिट प्रोवाइड किया जाएगा तो ये रहा समथिंग टोटल इलेवन चार्ट पैटर्न ग्यारह चार्ट पैटर्न इसे आपको समझना है कि ये बनता कैसे है एंड हमें इंट्री कहाँ लेना है एग्जिट कहाँ लेना है लेना कब है मेरा एस एल कहाँ बनेगा एंड मेरा टारगेट क्या रहना चाहिए ये तमाम चीज़ों को जब देख करके काम करेंगे तो आपका कभी लॉस नहीं होगा